नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मकर राशि वालों। सबसे पहले दोस्तों साल 2022 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2022 में आप सभी के जीवन के सभी सपने सच हो, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साल 2022 के पहले 10 दिन यानी कि दोस्तों साल 2022 की शुरुआत आप सभी के लिए कैसे होने वाले हैं। शुरुआत में आप सभी के जीवन काल में जो ग्रहों की स्थिति होगी, इनका परिणाम आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, किन किन क्षेत्रों को लेकर भी आपको सावधान रहने होंगे, क्योंकि दोस्तों साल का शुरुआती दिन है। ऐसे में आपका दायित्व और आपका कर्तव्य होता है कि सावधानियों को बरतें। जी दोस्तों, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के जीवन काल के लिए और 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साल की शुरुआत बेहतर हो और साल का आने वाला समय भी बेहतर हो, इनके लिए दोस्तों आप सुनिधन बस यही है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जी दोस्तों, इस वीडियो में पूरी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2022 का समय आप सभी के लिए कैसे होंगे, या साल 2022 की शुरुआत आप कैसे करेंगे, यश में आपको कौन कौन से कार्य करने होंगे ताकि आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी, और इनके अनुसार दोस्तों आप शुभ जीवन काल में जो ग्रहों की तिथि होगी उनका परिणाम कैसा होगा, कौन सा शुभ योग का निर्माण होगा और कौन सी शुभ परिस्थिति में आपको कौन से बड़े बड़े लाभ मिलने वाले हैं, दोस्तों इन सभी की विस्तृत जानकारी देंगे। तो वीडियो कितना महत्वपूर्ण है यह बात तो आप जान गए हैं, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा और सभी जानकारियों को ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी बात वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जय माँ लक्ष्मी हर हर महादेव लिखिएगा। गुरु जी का और महादेव माँ लक्ष्मी और भोलेनाथ का सदैव आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में पढ़ते रहेंगे, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात आपकी सफलता के द्वार खोलेगी, धार्मिक क्रियाकलापों में भी व्यस्तता रहेगी, लोगों के साथ मेल जोल बढ़ेगा तथा पुराने तनाव से यश में आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों यह समय अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का समय होगा, इसलिए दोस्तों पूरी मेहनत से अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें। दोस्तों इसके उपरांत ही दूसरों के मामले में यश में ज़्यादा हस्तक्षेप करने से आपका ही नुकसान होगा, संतान की वजह से भी किसी प्रकार की चिंता रहेगी तथा राह चलते कोई भी मुसीबत आपके पास आ सकता है। दोस्तों यश में धैर्य और शांति बनाकर रखने की जरूरत होगी। दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके लिए जो दिन होंगे, दोस्तों कुछ बातें आपकी योजना के अनुसार होंगी और कुछ बातों में बदलाव लाना होगा, इसका मतलब यश और अपयश नहीं होता, यह याद रखें। घर के कामों संबंधी पैसा अधिक खर्च हो सकता है, घर के रिनोवेशन में जरूरत से अधिक वक्त भी लगेगा। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके लिए जो दिन होंगे, दोस्तों यश में दिन व्यवस्था पूर्ण रहेगा, सरकारी कार्यों में विजय हासिल होगी, आप अपनी सूझबूझ द्वारा अपने विरोधियों को परास्त करने में यश में सक्षम रहेंगे तथा अपनी क्षमता को करियर, प्रोफेशन, अध्यात्म आदि कार्यों में लगाएंगे। दोस्तों रोजमर्रा के दैनिक कार्य बड़ी आसानी से पूर्ण होते जाएंगे, परंतु कई मामलों में धैर्य से आपको काम लेने की जरूरत होगी। दोस्तों जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से कार्यों में किसी प्रकार की जो है रुकावट आ सकती है, आर्थिक मामलों में यश में स्थितियां जो है आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए दोस्तों यश में फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो दिन होंगे, पारिवारिक से संबंधित तकलीफ यश में दूर होगी, परिवार द्वारा आपको खुशियाँ मिल सकती है, सभी लोगों के साथ रिश्ते गहरे बनने की आपकी कोशिश यश में सफल होंगी। दोस्तों परिवार के किसी व्यक्ति को जो है आपकी सहायता की आवश्यकता होगी, दूसरों को मानसिक रूप से सहयोग देना आपको आज के दिन आनंद देगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो दिन होंगे, जो समय होंगे, आपको अपने कार्यों के सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे, इसलिए दोस्तों अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह निष्ठावान रहें, साथ ही सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी जो उपस्थिति है यश में बनी रहेगी। भूमि संबंधी खरीद फरोख्त का काम भी यश में संपन्न होगा, ध्यान रखें कि आपका ही कोई नजदीकी मित्र आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र या फिर अफवाह फैला सकता है, जिसकी वजह से समाज में बदनामी हो सकती है, इसकी आशंका बन रही है। दोस्तों विद्यार्थी अपने लक्ष्य को आँखों से जो है ओझल ना होने दें, यह समय प्रतियोगिता संबंधी गतिविधियों में जो है ज़्यादा गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता होगी।
यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिन के लिए जो समय होंगे, एक ही जगह पर ज़्यादा देर बैठ कर काम करने की वजह से शारीरिक तकलीफ भी बढ़ सकती है। यह समय पूरा दिन काम में व्यस्त रहेंगे, जिसकी वजह से आप पर तनाव भी पड़ सकता है। दोस्तों, औरों द्वारा सहायता न मिल पाना आपको थोड़ा सा दुखी करेगा। दोस्तों, यश में अपना ध्यान को भावे लक्ष्यों की ओर पूरी तरह केंद्रित रखें, आपको उचित परिणाम हासिल होंगे। और दोस्तों, आप अपने आप में चमत्कारिक रूप से ऊर्जा और विश्वास यश में महसूस करेंगे। जनसंपर्क का दायरा भी और अधिक विस्तृत होगा, जो कि लाभदायक आपके लिए शामिल होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय अपनी दिनचर्या संबंधी कार्यों को व्यवस्थित पूर्ण तरीके से निपटाने की कोशिश करें। व्यस्तता के बावजूद सामाजिक कार्यों में भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, यह समय किसी की बातों में ना आकर अपनी कार्य क्षमता पर ही आप विश्वास रखें, यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, करीबी रिश्तेदार द्वारा खुशखबरी आपको मिल सकती है। परिवार में किसी का विवाह निश्चित होने का आसार बन सकता है। दोस्तों, काफी दिनों बाद परिवार में सभी व्यक्तियों का जो है इकट्ठा आकर मिलना सभी के लिए जो है आनंददायक होगा। जीवन में किसी बात की जो है नई शुरुआत हो सकती है, यह दिन उनके लिए शुभ होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय अगर आपके करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों, यह समय व्यवसाय में बदलाव की संभावनाएं प्रबल होंगी। कभी कभी मंदी की वजह से मन विचलित होगा, परंतु दोस्तों, आप अपनी समझदारी तथा योग्यता द्वारा समस्याओं का हल पा लेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने काम पर अधिक ध्यान देंगे, क्योंकि दोस्तों, यह समय तरक्की के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, कम प्रयास में आपको यह समय अधिक सफलता मिल सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए जो समय होंगे, काम को लेकर कोई नई दिक्कत की यात्रा आपके लिए अति उत्तम होगा, जो कि आपके भविष्य का रास्ता यश में खोलेगी। मार्केटिंग संबंधित कार्यों तथा संपर्क सूत्रों को मजबूत बनाने की भी आपका जो ध्यान है यश में उनमें लगेगा। दोस्तों, नौकरी में अधिकारी आपके काम से संतुष्ट होंगे और पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों, यह समय बिजनेस में सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यह समय जो भी योजना पिछले समय बनाए थे या फिर जो भी पिछले समय योजनाएं लंबित थी, उसे पूरा करने का उचित समय होगा। ऑफिस में ध्यान रखें कि सहकर्मी आपके विरुद्ध अवसरों के कान भर सकते हैं। यह समय हालांकि उसका प्रतिकूल प्रभाव आप पर बिल्कुल ही नहीं आएगा, परंतु दोस्तों, फिर भी सावधानी बरतनी आवश्यक होगी। इसके बाद दोस्तों, यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों, आज के दिन यह समय व्यावसायिक गतिविधियों में हल्की फुल्की परेशानी आ सकती है, परंतु समय रहते उनका हल भी आपको मिल जाएगा। कर्मचारी की गतिविधियों तथा क्रियाकलापों पर पूरी नजर रखें। दोस्तों, यह समय ऑफिस में अपनी मेहनत और परिश्रम द्वारा बॉस व फिर अधिकारी को आप प्रसन्न भी कर लेंगे, परंतु दोस्तों, अपने क्रोध व फिर आवेश पर नियंत्रण रखना यह समय आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, यश में व्यापार में फिलहाल पैसा निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों, पति पत्नी एक दूसरे को खुश करने के प्रयत्न करते रहें, यश में आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। दोस्तों, यश में परिवार में सामंजस्य उचित व फिर सामंजस्य बना रहेगा, परंतु यश में बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान रखना आवश्यक होगा। दोस्तों, इनसे उनमें डिसिप्लिन बना रहेगा। घर में मेहमानों की आवाजाही सुकून प्रदान करेगी। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो दिन होंगे, जो समय होंगे, दोस्तों, यह समय घर परिवार में प्रेम जो है मधुरी बना रहेगा। घर में कोई मांगलिक प्रसंग भी बन सकता है, परंतु दोस्तों, प्रेम संबंध किसी विपरीत परिस्थिति की वजह से जो है उजागर भी हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों, इसलिए यह समय मर्यादा का ध्यान रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, घर में सुख शांति भरा माहौल रहेगा, परंतु व्यर्थ के प्रेम संबंधों तथा मौज मस्ती में अपना समय को जो है यश में नष्ट ना करें, यह आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपकी लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, विवाहित जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। परिवार के साथ कोई मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम भी बन सकता है। दोस्तों, विवाहतर संबंधों में किसी भी प्रकार की रुचि बिल्कुल ना लें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों, यह समय आपके सेहत के लिए जो समय होंगे, थकान की वजह से शारीरिक व फिर मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। दोस्तों, अपना खान पान हेल्दी रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में पार्टनर की सेहत की चिंता आपको सता सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों, स्वास्थ्य शाम तक उत्तम होगा, परंतु मौसमी बीमारियों से खुद का बचाव करना आपके लिए अति आवश्यक होगा। दोस्तों, इसलिए अपनी दिनचर्या यश में आप व्यवस्थित रखने की कोशिश करें, ये आपके लिए आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, यश में कब्ज तथा
वायु विकार जैसी समस्या रहेगी, इसलिए गरिष्ठ तथा तला भुना भोजन खाने से यह समय आप परहेज करें। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे दोस्तों, यह समय स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी रहेगा, पेट में दर्द या फिर गैस से संबंधित दिक्कत भी परेशान आपको कर सकती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से सावधान रहें। तो दोस्तों यदि ग्रहों की स्थिति, आइए दोस्तों सके स्वाद बात करते हैं। नए साल की शुरुआत आप कौन से उपायों को करें ताकि दोस्तों आपके जीवन काल में हमेशा खुशहाली पड़ती रहे। ये दोस्तों सबसे पहला उपाय है, लक्ष्मी का वास वहाँ माना जाता है जो स्वच्छता तथा सुगंध होता है। अतः दोस्तों रहने के स्थान तथा कार्य का जो भी आपका स्थान है उनको आप स्वच्छ सुगंधित रखें। ऐसा दोस्तों अगर आप शुरुआत में करेंगे तो दोस्तों माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में अवश्य होगा। शायद दोस्तों दूसरा उपाय है, घर में गोमूत्र। दोस्तों नमक तथा फिटकरी मिलाकर नित्य पोंछा लगाना चाहिए, जिससे नेगेटिव एनर्जी भी जो आपके घर में उत्पन्न होती है वो बंद होगी और आपके घर में अच्छाई भरपूर होगी, पॉजिटिव विचार आपके मन में आएंगे। दोस्तों इन उपायों को करने से आप जो है आपके जीवन काल में जो है हमेशा पॉजिटिव भावनाएं आपके अंदर आएंगी, कार्यों में भी आपको इनसे सफलता की प्राप्ति होगी। शायद दोस्तों नए साल के पहले दिन जन्मदिन विवाह की जो है वर्षगांठ पर पूजन अर्चना आप अवश्य करें। वर्षारंभ में कुछ अच्छा करने का जो संकल्प लेकर वर्षा तक उसे पूर्ण करने का पूरा प्रयास करें। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही बड़ा प्रयास होगा, बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा, तो दोस्तों इन्हें आप जरूर कीजिएगा। दोस्तों आने वाले समय में आपको अवश्य सफलता की प्राप्ति होगी। इसको उपरांत दोस्तों आप यह साल की शुरुआत वृक्ष पौधे लगाकर करें। दोस्तों अपने नक्षत्र की वनस्पति तथा राशि की वनस्पति पर यह प्रयोग अत्यंत लाभकारी होता है, तो दोस्तों कोई पौधा आप अवश्य लगाएं। स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए नित्य एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जवाप करें, 40 दिन के बाद परिणाम देखने आपको प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत आप इन सभी से करें। तो दोस्तों अगर आपको यह बातें समझ में आई हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शायद दोस्तों और अच्छी जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।